ये एफिडेविट कबूलनामा है जो भ्रष्टाचार, नकली गांधी परिवार और उनके जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा करते आए हैं कि हाथी के दांत और कांग्रेस खास करके प्रियंका राहुल के सिद्धांत खाने के अलग दिखाने के अलग। प्रियंका वाड्रा जी जो कि एक प्रोडक्ट ऑफ डायनेस्टी है, उनके एफिडेविट को पढ़कर कई सारी सूचनाएं, कई सारी इन्फॉर्मेशन बाहर आई है कि किस प्रकार से जो उनका कंबाइंड एसेट बेस है उनके और उनके पति का रॉबर्ट वाड्रा जी का, उससे ज़्यादा तो इनकम टैक्स को उनकी लायबिलिटी है। इनकम टैक्स का डिमांड है उन पे 80 करोड़ रुपीज़ का। अब सोचिए कि यदि 80 करोड़ रुपीज़ का इनकम टैक्स का डिमांड उन पर है तो असलियत में उनकी इनकम कितनी है और दिखाई कितनी जा रही है। सत्ता के बाहर रहकर अगर गांधी परिवार इस प्रकार की जमीन चोरी, टैक्स चोरी या भ्रष्टाचारी करता है तो सोचिए सत्ता में रहकर क्या करता था। आज एक बात स्पष्ट है कि हाथी के दांत और कांग्रेस खास करके प्रियंका राहुल के सिद्धांत खाने के अलग दिखाने के अलग, क्योंकि इस एफिडेविट से ये भी पता चलता है कि जिस एंटरप्रेनर्स को ये लोग गालियां देते हैं उसी एंटरप्रेनर्स की कंपनी में इन्वेस्ट और निवेश भी करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हमने ये भी देखा कि तेलंगाना भी उनका इन्वेस्टमेंट लिया जाता है, उनकी अलग अलग सरकारों में भी इन्वेस्टमेंट लिया जाता है। तो यही कांग्रेस पार्टी का चरित्र है, चाहे सत्ता के बाहर हो सत्ता के अंदर हो, चोरी करना और दूसरी ओर सीनाजोरी करना, दूसरों पर उंगली उठाने वाले। अब अपने टैक्स चोरी के बारे में बताएं। ये एफिडेविट कबूलनामा है जो भ्रष्टाचार, नकली गांधी परिवार और उनके जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा करते आए हैं। सबसे पहले इनके हलफनामे में, क्योंकि ये बाध्यता है, ऐसा नहीं है कि शुचिता के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा बाहर आई और उन्होंने ये सार्वजनिक किया कि उनके पास क्या असेट्स हैं, उनके पतिदेव के पास क्या असेट्स हैं। ये एक बाध्यता है, ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें आपको हलफनामा देना होता है, अपना भी और अपने स्पाउस का भी। सबसे पहली बात जो सामने आई, रॉबर्ट वाड्रा की जो डिक्लेयर्ड नेटवर्थ है, डिक्लेयर्ड शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं, हर भारतीय जानता है सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है, लूट खसोट करने वाला कोई है तो वो गांधी परिवार है, जिनके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। और रॉबर्ट वाड्रा की जो डिक्लेयर्ड नेटवर्थ है वो कम है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो डिमांड कर रहा है वो ज्यादा है। ये कॉन्टेस्टेड है, लेकिन आप देखिए 2010-11 में 7 करोड़, 2011-12 में 3 करोड़, 2013-14 में 11 करोड़, 2014-15 में 10 करोड़, इस तरह से 2020-21 तक जाता है और इनको अगर जोड़ा जाए तो 75 करोड़ इज द डिमांड टोटल बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। भागते भागते भी 2013 में 11 करोड़, मतलब जो 7 करोड़ था 10-11 में, जब इन्हें अंदेशा हुआ भाग रहे हैं सरकार जाने वाली है, तो 11 करोड़ और 10 करोड़ तब की डिमांड आई है। इसका मतलब कितनी वसूली ये लोग कर रहे थे,